लाइक सब्सक्राइब इसको मत भूलना, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। चलो हम लोग डायरेक्ट टू दी मैटर सब्जेक्ट में आते हैं, और हम लोग क्या पढ़ रहे थे, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ लिए थे। ठीक है, तो अगला नंबर किसका है, पहले नंबर लाइन नंबर नंबर भूल जाए, 3 4 5 सीरियल तब इस सिंबल का यूज करेंगे, इसको नंबर समझ लेना तुम लोग। तो अब लिखो हम लोग डिस्ट्री ब्यूटी एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। चलो इसको पहले लिख लो, और इसी का हिंदी नाम हम लोग यहाँ लिख लेंगे, वितरणात्मक विशेषण, वितरणात्मक विशेषण, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वितरणात्मक विशेषण। पहले डेफिनेशन ले लेते हैं इसका, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का आखिर डेफिनेशन क्या है, तो लिखेंगे हम लोग द वर्ड व्हिच डज नॉट क्लियरिफाई अबाउट ए थिंग और पर्सन। द वर्ड व्हाट्सअप विच डज नॉट क्लियरिफाई, जो स्पष्ट वर्णन न करता हो अबाउट अ थिंग और पर्सन, किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में, अबाउट थिंग और पर्सन एंड प्लेस, या किसी स्थान के बारे में, जो शब्द किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के बारे में अस्पष्ट चर्चा या वर्णन न करता हो, वैसे शब्द को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, अब हिंदी में भी लिख देते हैं, वह शब्द जो किसी व्यक्ति या व्यक्ति वस्तु तथा स्थान के बारे में अस्पष्ट वर्णन न करता हो उस शब्द को डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। आए हिंदी और इंग्लिश, जो हम लोग इंग्लिश लिखे उसी का हम यहाँ पे हिंदी कर दिए। ठीक है, थोड़ा स्लो जा रहे आप लोग, कुछ बच्चा ये बोले कि सर फास्ट हो जाता है, तो चलो थोड़ा स्लो कर दिया हम, हालांकि हम एनर्जेटिक नहीं लग रहे हैं इतना स्लो पढ़ाने में, लग रहे कि एनर्जी मेरी खत्म हो गई है। ठीक है, इसको मिटा भी लिए, आप पॉज करके अपना लिख लीजिए, थोड़ा समझो इसको। देखो, दुनिया का ऐसा शब्द, किसी भी शब्द को जब हम कहीं यूज करते हैं, तो जब हम कोई काम को करते हैं तो काम संपन्न किस पर होगा, इससे इसका पता अस्पष्ट रूप से जब किसी शब्द से हमें नहीं मालूम चलती है कि आखिर काम संपन्न किस पर करने के लिए कहा जा रहा है, तो वैसे जितने भी शब्द हैं उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मान लो कि दो भाई है, और आप यहां पर यह कहे, मान लो चार भाई है, आप कहे कि वन ब्रदर इज फाइटिंग विथ वन अनदर, एक भाई एक दूसरे भाई से लड़ रहा है, तो अब फाइटिंग विथ वन अनदर, आप कहे कि कॉल बुलाओ ईच अदर स्टूडेंट, तो एक दूसरे छात्र को बुलाओ, तो पता नहीं चल रहा ना कि एक दूसरे छात्र में हम किसको आखिर बुलाए, एक दूसरे तुमको छोड़कर सभी एक दूसरे है, चार में से किसी एक को बुला लो, आप कहेंगे फोर वन ऑफ फोर,
चार में से किसी एक को, तो वन ऑफ फोर में अब तुम्हारे सामने चार बच्चा है, किसको बुलाएं? तो ये अस्पष्ट वर्णन वन ऑफ फोर नहीं कर रहा है, तो जिस शब्द से किसी भी व्यक्ति या वस्तु पर कार्य होगी लेकिन अस्पष्ट वर्णन न करता हो इस चीज का, ऐसे सारे शब्द को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव वितरणात्मक विशेषण एडजेक्टिव कहते हैं। तो अब इसके लिए जैसे कुछ वर्ड्स लिखिए, जैसे एग्जाम्पल छोड़ो, तो जैसे पहले ए में लिख लो, कुछ वर्ड्स लिखते हैं जैसे ईच अदर, बराबर इसका मीनिंग लिखेंगे, लिखते भी चलो ये सबको एक दूसरे से। अब इसी को हम लोग ये भी कहते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे से या एक दूसरे को, ईच अदर। अब इसका प्रयोग, अच्छा प्रयोग हम लोग यहीं पे कर लेते, इसका नोट यहां पे लिख लेते हैं, only for more than two things or persons, but only according to the ancient grammar। लिखो, देखो each other का means होता है एक दूसरे से या एक दूसरे को, लेकिन इसमें आप condition क्या आ जाता है कि यहाँ लिखे only for more than two things or persons, कि ईच अदर का प्रयोग हम जब भी करेंगे तो केवल दो से अधिक व्यक्ति और वस्तु के लिए इसका यूज होगा, केवल दो से अधिक व्यक्ति वस्तु के लिए। जब व्यक्ति वस्तु की संख्या दो से अधिक होगा तो उस कंडीशन में हम एक दूसरे से या एक दूसरे को के अर्थ में हम लोग यूज करेंगे, इस जगह केवल ईच अदर। लेकिन किसके अनुसार से ये कंडीशन होगा, तो अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट ग्रामर, मतलब पुराने ग्रामर के अनुसार से। नए ग्रामर के अनुसार से फिर क्या होगा, मॉडर्न के अनुसार से क्या होगा, तो वो इसके नीचे फिर हम लोग जान लेंगे। तो अब जैसे इस पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यू हैव called, you have called each other as students, plural हो गया ये, अरे हम इसको दो से अधिक कर रहे हैं, you have called each other as students, some as students were fighting with all other students, इसका भी प्रयोग दो से अधिक के लिए। तो all other सभी से लड़ रहा है, तो all other सभी से, तो सभी से लड़ रहा है, ये पता नहीं चल रहा है ना कि किससे किससे लड़ रहा है। तो बहुत सारा वर्ड है, इसमें जो मेन है वो आपका दो है, each other और one another, बाकी और भी बहुत सब है लेकिन ये दो मेन है। तो सीधा जानना है जिस शब्द से कार्य के करने का संपन्न होने का अस्पष्ट चर्चा नहीं होता है कि काम किस पर संपन्न हो रहा है, तो ऐसे शब्दों को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। चार भाई हैं, आपस में एक दूसरे से लड़ रहे, तो कौन किससे लड़ रहे हैं ये अस्पष्ट नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में ये आपका हो गया ईच अदर। बी में लिखेंगे हम लोग वन अनदर, इसका भी मीनिंग लिखेंगे यही, एक दूसरे से, या इसी का दूसरा मीनिंग थे एक दूसरे को, ये इसका हिंदी मीनिंग हो गया। और इसका कंडीशन क्या है कि लिखेंगे इसको हम लोग, इट इज used for only two things, persons
and place and places. It is used for only two things, person and places. यानी कि ये जो one another है, इसका प्रयोग जब भी होगा, ये जब भी होगा तो ये केवल दो व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए होगा, दो से अधिक के लिए नहीं होगा. किसके अनुसार से? नोट में लिख लेंगे. According to only the ancient grammar, अने ये भी केवल ancient grammar के अनुसार से. According to only the ancient grammar, मतलब पुरानी grammar के अनुसार से हमारा ये दो वर्ड आया, और दोनों वर्ड को हमारा पुराना ग्रामर ये कहता है कि इच अदर का प्रयोग केवल केवल जब भी होगा तो ये दो से अधिक व्यक्ति और वस्तु के लिए, दो से अधिक में जितना आ जाए, और अगर केवल दो व्यक्ति और वस्तु का जब बात होगा तो तब हम लोग वहां पे वन अनदर का प्रयोग करेंगे, तब हम वन अनदर का कर देंगे. तो सर ये मॉडर्न एंशियंट जब लिखे हैं आप, तो फिर मॉडर्न क्या कहता है, मॉडर्न के अनुसार से क्या होगा? तो मॉडर्न ग्रामर ये कहती है कि आज के डेट में जो ये जैकोबियन एज है, जो सबसे डेंजरस टाइम माना जाता है अंग्रेजी लैंग्वेज एंड लिटरेचर में, ध्यान रखना कि इस मॉडर्न जैकोबियन एज में मॉडर्न जो ग्रामरियन है इस रूल को नहीं माना है, और वो ग्रामर में आज मॉडर्न ये कहता है मॉडर्न में कि हम ईच अदर का प्रयोग और वन अनदर का प्रयोग, कोई कंडीशन नहीं है, कहीं भी किसी के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं. तो इसके लिए भी एक नोट लिख लो, बट अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न ग्रामर these both of the words, these both of the words कौन कौन है? तो एक है each other और एक है one another. these both of the words, but according to the modern grammar these both of the words, ये दोनों शब्द मॉडर्न ग्रामर के अनुसार से दोनों शब्द में एक है ईच अदर और एक है वन अनदर. तो ये ईच अदर और वन अनदर जो शब्द है मॉडर्न ग्रामर के अनुसार से, ये हर जगह इसका यूज किया जा सकता है. मे बी यूज्ड इन एवरी कंडीशन, हर शर्त में इसका यूज होगा, इसके लिए कोई अलग से कोई कंडीशन नहीं है. मे बी यूज्ड इन एवरी कंडीशन, चाहे वो दो रहे, दो से अधिक रहे, हम सब के लिए आज मॉडर्न ग्रामर के अनुसार से. इसीलिए कभी कभी आपको ये मिल जाएगा कि नहीं सर बतलाए थे दो के लिए, यहाँ तो चार के लिए यूज हुआ है, तो वहां आप फंसेंगे नहीं. हम इसलिए इसका जिक्र कर चुके हैं. ये था आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और हम लोग अगला रूल में बढ़ेंगे. अब और लिखेंगे हम लोग इंटरोगेटिव एडजेक्टिव. रूल सिंबल दे देते हैं, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बढ़ाते चलो. इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, हम साउंड को थोड़ा और हैवी कर देंगे, अभी ज्यादा करेंगे तो गूंजने लगती है आवाज, तो तार वाली माइक थोड़ा हम ऑनलाइन ऑर्डर दिए हैं, दो चार दिन में आ जाएगी. तो तब आप लोग को माइक से जब हम करेंगे, कैमरा में जोड़ेंगे तो साउंड वाइब्रेट नहीं करेगी, तो उस समय हम बहुत एनर्जेटिक बोलेंगे भी, ठीक है? अभी अपना आराम से सुनिएगा और इसको फेयर करते चलिएगा और लिखते चलिएगा. दूसरी बात, आज 17 तारीख है, आज तो आज 17 तारीख, आज शाम से या फिर कल दिन से, जो हम ऐप की चर्चा किए थे तो वो ऐप बनवाए थे हम, लेकिन मेरा टेक्नीशियन ऐप गलत बना दिया था, हमको वो ऐप पसंद नहीं थी. मैंने फिर से ऐप बनाया, और जो ऐप अब बना है वो बहुत इजी मेथड का ऐप है. आपको वो ऐप दिया जाएगा, अने
है कि आज या कल से अब आप ऐप में ही छोड़ेंगे आपको सारे वीडियोज, तो आपको पता चल जाएगी कि जो YouTube में वीडियो छोड़े हुए हैं वो सब आपका ऐप में चले जाएंगे। वो ऐप में जैसे आपको दिखना शुरू हो जाएगा, आपको मैसेज जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा ये चीज़ का कि हाँ सर आप ऐप में पढ़ाना शुरू कर दिए। तो ऐप में जो बच्चे आपसे जुड़े हुए हैं, रजिस्टर्ड रहेंगे या रजिस्टर्ड हैं या नहीं है, तो जुड़ना चाहेंगे उसको रजिस्टर्ड करना होगा, तभी आपको मेरा वीडियोज या मेरा पढ़ाई ऑनलाइन मिलेगी। फिर ऑफलाइन खुलेगी जुलाई में, फिर ऑफलाइन शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए आप लोग सब अपना अपना रजिस्टर्ड कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐप को डाउनलोड करिएगा, लॉगिन करिएगा, जो वहाँ मांगा जाएगा वो जरूर दीजिएगा और आपको अपना वीडियोज मिलते जाएगा, अन्यथा आपका वीडियोज आपको जाना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ऑनलाइन पढ़ाई इस तरह से ही होगी, अब यूट्यूब में कुछ खास नहीं मिलेगी। तो चलो, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, दिक्कत हो कमेंट्स में जरूर भेजना। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, अब इसका हिंदी नाम क्या होता है? प्रश्न सूचक, इसी को वाचक भी कहते हैं, सूचक विशेषण, प्रश्न सूचक विशेषण। ऐसा शब्द जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो उसको हम लोग प्रश्न सूचक एडजेक्टिव कहते हैं। अब थोड़ा सा इसको समझा करो, अभी लिखना नहीं है, इसको लिख के छोड़ दो और यहां थोड़ा सा समझो। हु कॉल्स यू, एक सेंटेंस है। अब दूसरा सेंटेंस देखो, हु डज नॉट कॉल यू। हम दो सेंटेंस लिए। अब देखो यहाँ पे हु क्या है, टर्म है। टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। हम लोग टर्म का दूसरा नाम इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। यहाँ पे समझने का कोशिश करो, यानी कि दुनिया में जितना भी टर्म है, मतलब इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, दुनिया का हर इंटरोगेटिव प्रोनाउन अपने आप में इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी है, और यही इंटरोगेटिव प्रोनाउन बदल कर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। सेंटेंस पर ध्यान दो, यहां हु आपका, अब कैसे पकड़ेंगे, तो यहां पे हु का मतलब कौन या हु का मतलब जो, बस ये इसका हिंदी अर्थ यहां पे हो सकता है। अगर किसी भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन के ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ नहीं है, डायरेक्ट कुछ और आ जाता है, तो आप ये समझो कि इस कंडीशन में जो हु है ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। अगर टर्म के बाद इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब ले लिया है तो फिर ये क्वेश्चन हो गया, और जब क्वेश्चन हो गया तो फिर क्वेश्चन मार्क भी होगा, लेकिन इस पर फुल स्टॉप होता है। मतलब जितना भी टर्म है, अगर हम टर्म के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब और प्लस डॉट डॉट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो इस कंडीशन में जो टर्म होता है इसका नाम बदल कर हो जाता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, यानी कि टर्म ही होता है इसका नाम। लेकिन अगर कोई भी टर्म के बाद हेल्पिंग वर्ब अगर नहीं रहता है, कुछ और आ जाता है और अंत में अगर हो जाता है फुल स्टॉप, तो इस कंडीशन में यही टर्म का नाम बदल कर हो जाता है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। हम लोग नरेशन में ये चीज पढ़ चुके थे, जैसे यहां देख लो, समझाने के लिए लिखना नहीं है, सी सेड व्हाट डू यू डू। ठीक है, जब इसका हम लोग ग्रीक से इंडिरेक्ट नरेशन बनाए थे तो क्या लिखे थे, सी सेड, इन्वर्टेड कोमा खत्म हो गया क्योंकि टर्म लगा हुआ है, इसके बदले कुछ नहीं लगता था, और व्हाट को व्हाट लेते थे, और इसके बाद क्या करते थे, इसको इस क्रम में चेंज करते थे, पहले सब्जेक्ट यू, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं है तो यू, और ये डू आपका ऑटोमेटिक खत्म, और ये डू आपका बदल गया डिड में। देख लो यहां टर्म के तुरंत बाद क्या आ गया, प्रोनाउन आ गया, यानी हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, तो इसलिए नरेशन में जो टर्म होता है ये सारा टर्म बदल कर क्या बन जाता है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। ये सब नहीं लिखना है, समझाने के लिए लिखा रहे थे। चलो अब इसको यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं और फिर समझ लेते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन आखिर कब हो जाता है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, सेम वर्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउन कब होता है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, और फिर ये कब होता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखेंगे, व्हेन
एनी इंटरोगेटिव, लिखते चलो इंटरोगेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन टेक्स डज नॉट टेक, डज नॉट टेक एनी एच बी, जस्ट आफ्टर इट सेल्फ, देन ऑल ऑफ द इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर कॉल्ड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव एंड एट लास्ट मस्ट बी ए फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप हुआ, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क नहीं होता है बल्कि हम लोग फुल स्टॉप लगा देते हैं। जैसे एग्जांपल, हम दोनों तरफ एग्जांपल कंपेयर करके दिखा रहे हैं आपको कि कैसे ये हो जाएगा इंटरोगेटिव प्रोनाउन और कैसे हो जाता है यकीन वर्ड बदलकर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। तो दोनों एग्जांपल, पहले भी कहे कि एडजेक्टिव पढ़ने में प्रोनाउन का पूरा इसमें एकदम तालमेल है, जितना एडजेक्टिव है वही सब वर्ड प्रोनाउन हो जाता है। तो एग्जांपल ले लो, ये और इधर एक तरफ लिखो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव और एक तरफ इसी का हम लोग बना लेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। जी सर मार्कर बदल देते हैं हम आपको, ठीक है। हाँ लिखिए, हम मार्कर बदल दिए। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव का एग्जांपल, व्हाट सी वांट्स फुल स्टॉप। यहां जो ये जो व्हाट है ना, ये आपका देखो इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा, कुछ और लग गया, प्रोनाउन लग गया या कोई नाउन लग गया। तो इस कंडीशन में, और इस कंडीशन में होता है फुल स्टॉप, यहां क्वेश्चन मार्क नहीं होगा इस कंडीशन में। अब यही जो व्हाट है, अब आपको यहां कोई पूछेगा कि ठीक है यहां जो व्हाट लिखते हैं, व्हाट आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा पढ़ लिए हो, और कहेगा कि ठीक है तुमने पढ़ लिया पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा, और पार्ट्स ऑफ स्पीच जब पढ़ लिया है तो अंग्रेजी में कोई भी वर्ड आठ में से कोई एक चीज होगा, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो तब ये बताओ कि यहाँ पे जो व्हाट है, ये व्हाट का नाम क्या होगा इस आठ में से। तो बेशक आप यहाँ पे व्हाट को कहेंगे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक विशेषण। अब यही वर्ड को अब यहां लेके आते हैं हम लोग, इसी में एक सेंटेंस यहां लिखते हैं, व्हाट डज सी वांट, यहां क्वेश्चन मार्क हो गया, और यहां व्हाट के बाद देखो एक एच डी लगा हुआ है। तो इस कंडीशन में ये जो व्हाट है, ये हो गया हम लोग का इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो हमें लग रहा है कि एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। इसके अंत में होता है फुल स्टॉप, इसके अंत में होगा क्वेश्चन मार्क, ये अपने बाद टर्म के बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन बन जाता है, और वही सेम सब अगर अपने बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता है, कुछ और लेता है नाउन प्रोनाउन जो भी ले, तो इस कंडीशन में यही सेम शब्द आपका बदल कर हो जाता है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। व्हाट यू Want, जो तुम चाहते हो, इधर आ जाइए, What do you want, तुम क्या चाहते हो। चलो एग्जाम्पल लिखते चलो, दोनों तरफ हमारा कंपेयर भी होते जा रहा है। दूसरा ले रहे, Where she lives, जहां पर रहती है, Where she lives, full stop। अब इधर कर रहे हैं, Where does she live, where does she live, वह कहां रहती है, ये हुआ जहां वह रहती है, और इसका अर्थ होता है वो कहां रहती है। तो यहां पे जो where है, ये
ये हो गया इंटरोगेटिव एडजेक्टिव और यही वेयर इस जगह हो गया इंटरोगेटिव प्रोनाउन। समझ गए होंगे। तो इस तरह से जितना भी टर्म है ये सारा टर्म की बात है और हर टर्म में बस यही रूल आपको लगाते जाना है। गिरते रहता है रूल। चलो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन था। इंटरोगेटिव प्रोनाउन हम लोग कर लिए और इसके बाद फिर हम लोग का है इन डी एडजेक्टिव कर लिए हम लोग इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। अब हम लोग का अब एक इसमें थोड़ा रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडजेक्टिव आता है। ऐसे कुछ और भी है टोटल हम लोग को करना है।